कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2 जुलाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद आज की ये तारीख दर्ज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 2 महिला नेता आपस में, वो भी 2 बहनें, अपने पिता की जयंती मनाने को लेकर उलझ गई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 2 बेटियां अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल है, जिनका दल अलग अलग है। सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर दोनों बहनें आमने सामने हो गई। देखिए रिपोर्ट। सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर दोनों ही बहनों के बीच जारी जंग में आज एक नया मोड़ देखने को मिला। जहां सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच एक नया संग्राम छिड़ गया। दरअसल सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर दोनों बेटियां, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल, अपने अपने राजनीतिक दलों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन करना चाहती थी और जिसको लेकर के दोनों ने पहले से ही तैयारियां भी की हुई थी, लेकिन इन तैयारियों में अनुप्रिया पटेल ने बाजी मार ली। बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल की तरफ से राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम के आयोजन के लिए जितने भी स्थलों को बुक कराया गया था, उन सभी को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया था। इससे नाराज होकर पल्लवी पटेल इसकी शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री आवास भी पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करके ये बताने की कोशिश की कि जानबूझकर हमारे परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए कुछ लोग और उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल की तरफ से परेशान किया जा रहा है। पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल ने कैमरे पर रोते हुए बात को कहा कि पहले मैं दोनों ही बेटियों की वजह से दुखी रहती थी, लेकिन आज अनुप्रिया पटेल की इस हरकत से मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। जिस मसीहा की जयंती थी, उस मसीहा की जयंती नहीं होनी थी जिसको लिए वो खुद घूम रही हैं। किसी ने सच कहा है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी कद्र नहीं करता है, उसके पास बैठना भी उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है। वहीं जब हमारी टीम ने पल्लवी पटेल से बात की तो पल्लवी ने भी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। पल्लवी ने कहा कि जब से मैंने केशव मौर्य को चुनाव में हराया है, तब से लगातार हमें और हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है और उसी का नमूना आज सबने देखा। एक जयंती समारोह के छोटे से संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए, जो शांतिपूर्ण तरीके से होना था, उसके लिए रविंद्रालय, विश्वरेया प्रेक्षागार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का मरकरी हॉल, लगातार ये तीनों जो हमारे वेन्यू हैं इनको कैंसिल क्यों किया गया, मुझे अभी तक आधार समझ में नहीं आया। मैं उसी को खोजने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने कल SI से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस तक बात की तो मुझे आधार तो पता नहीं चला, लेकिन 2 टूक जवाब मिलता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो ऊपर से किसका प्रेशर? पल्लवी पटेल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथियों का भी जमावड़ा था। इसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। ओम प्रकाश राजभर ने प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। इसकी हम निंदा करते हैं कि सरकार ने परमिशन न दे करके दूसरे पक्ष को ये साबित किया कि हम आपके खिलाफ हैं। तो चूंकि उनका एक पक्ष सत्ता में है तो सरकार में है, तो आरोप सरकार नहीं चाहती है कि इनको परमिशन मिले, इसी नाते नहीं मिला। और परमिशन वहाँ लोग कृतित्व और व्यक्तित्व पे चर्चा करते ना, कोई वहाँ धरना प्रदर्शन, कोई गोली बारूद तो होना नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जा करके अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम के साथ साथ अपना कार्यक्रम भी करना चाह रही थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते ही दोनों ही माँ बेटी जैसे ही अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ बढ़ती हैं, वैसे ही तत्काल प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल में मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों ही माँ बेटी को पहले तो रोकने की कोशिश की, उसके बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान हमारी टीम ने पल्लवी पटेल से बात करने की कोशिश की। खैर, प्रदेश में इस नए राजनीतिक घटनाक्रम से ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इनकी प्रमुख लड़ाई अपने ही परिवार की दूसरे राजनीतिक दल अपना दल सोनेलाल पटेल यानी अनुप्रिया पटेल से है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पहले तो अपना दल दो हिस्सों में बटा और अब ये दो बहनों की राजनीति पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और अब ये बात साबित हो गई है कि जहां पहले पिता की विरासत का बंटवारा बेटों में होता था, अब बेटियों में होता है और साथ ही साथ इसके लिए लड़ाई भी होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।